अखिलेश के चाचा ने भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी की सरकार को पूरी तरह से रगड़ दिया, कहां कहां भ्रष्टाचार है एक एक कर बताने लगे। रामगोपाल शांति के साथ बोलते गए, आराम से भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की पोल खोलते गए। अखिलेश के चाचा ने पीएम मोदी को बता दिया, यूं ही नहीं वो राजनीति के हैं प्रोफेसर। उत्तर प्रदेश के एक माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जीरो है और पुलिस की भर्ती 50,000 सिपाहियों को निकली तो 68 लाख लड़के लड़कियों ने इम्तहान दिया। एक मिनट और सुन लीजिए, हमारी ऑलरेडी 5 मिनट होने हो गए। एक मिनट प्लीज देखिए, आरक्षण जो है वो कैसे ये खत्म कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सारी नियुक्तियां होने लगी, आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो गया। और ये 3 नए कानून आए जिसका डंका बज रहा है, इसमें 95% वही धाराएं ज्यों की त्यों हैं, केवल ऊपर नाम बदल दिया गया। हाँ पांच एक मिनट बहुत खतरनाक चीजें आ गई, बताना जरूरी है, लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 2 आदमी से ज्यादा अगर कोई काम करते हैं तो वो जो अनलॉफुल एक्टिविटीज थी वो संगठित गिरोह के अंतर्गत आ गए। अगर पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन भी करेंगी, आंदोलन करेंगी और कोई सब इंस्पेक्टर ये लिख देता है ये संगठित गिरोह का काम है तो 3 साल से 3 लाख आजीवन कारावास तक की सजा। एक आंदोलन तो हम लोग करेंगे, 3 साल की सजा करा दीजिए, आराम से विपक्ष खत्म। अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव ने सदन में माहौल ही बना दिया। पीएम मोदी जो दावे भ्रष्टाचार को लेकर किया करते हैं, ये कहते थकते नहीं कि 10 साल में उनकी अगुवाई में सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसकर रख दी। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने अपने स्पीच के जरिए पीएम मोदी को स्पीचलेस कर दिया। रामगोपाल यादव एक एक कर बताने लगे, कहां कहां भ्रष्टाचार हुआ, किस किस क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ, किस किस लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ। रामगोपाल यादव ने सब कुछ बताया। पूरे देश में बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में और सेंटर में करप्शन रैम्पेंट, कहीं करप्शन की चर्चा नहीं, कहीं भी करप्शन की चर्चा नहीं। जो हम अन्न देते हैं वोट लेने के लिए, उसमें भी 30% संपन्न लोग गरीबों की 18% के आसपास सब्सिडी खा जाते हैं। मैंने देखा है गांव जब अन्न बांटने जाते हैं तो वे लोग जो अपात्र हैं जिनको मिल रहा है उनसे खरीदने के लिए वहीं लोग खड़े होते हैं, बेच देते वहीं, नोबडी केयर्स फॉर इट। और देखिए जो दिल्ली में हवाई अड्डे पे कैनोपी गिरी, जामनगर में गिरी, सब करप्शन की वजह से। राम जानकी वनगमन पथ 10 किलोमीटर तक धस गया नीचे लंबाई में ड्यू टू करप्शन। अब मैं नहीं कहूंगा कि भगवान श्री राम के मंदिर में भी पानी टपका है, क्योंकि लोग कहेंगे ऐसा नहीं हुआ है, बट इट हैपेंड। हर घर में पानी भेज रहे थे नल से, अकेले जल शक्ति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपया दिया। 5% घरों में पानी नहीं पहुंचा, जाने कहां पैसा चला गया। मैंने पहले भी एक बार यहाँ कहा था, मैं चाहता हूँ कि बीजेपी के MPs अपने गाँव में जाएं और देखें उत्तर प्रदेश के कि कहां कहां नल पानी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, और नहीं पहुंचा है तो जो पैसा आया वो कहां चला गया। और सबसे बड़ा करप्शन कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं जिनके माध्यम से चाहे नीट हो चाहे नेट हो पेपर्स आउट होते हैं, किसी कोचिंग सेंटर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। एवरीबडी नोज कि कौन कौन से कोचिंग सेंटर हैं जिनकी अप्रोच इतनी है कि वो पेपर लीक करा लेंगे, और ये हो रहा है लगातार। आप आश्चर्य करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट पर कहीं चर्चा नहीं। अभी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आज तक का इतिहास में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो हो रहा है NCLT के जरिए। आप आश्चर्य करेंगे कि 31 मार्च 2023 तक 616 केस रिजॉल्व किए इसने, जिसमें बैंकों का उन पर 8.3 लाख करोड़ कर्जा था। बैंकों को समझौते के जरिए मिला 2.53 लाख करोड़ और कर्ज मुक्त हो गए। हेयर कट में चला गया 5.77 लाख करोड़, 69% हेयर कट। और इसमें सबसे ज्यादा हेयर कट जाने मिलने वाला था
वो है अडानी साहब की एक कंपनी है गुड होम्स, जिस पर 96% हेयर कट। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से कि अभी तक कितनी संपत्तियां बिकी, उन पर कितना कर्ज था, उनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, और जिनको वो संपत्तियां बेची गई वो कौन लोग थे। एक एक व्यक्ति को लाखों करोड़ का लाभ हुआ है। अभी मैं जानता हूं, कुछ दिनों पैदा हुआ, मैं तो पर्सनली जानता हूं, 2-3 लाख की करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है यहां बगल में ही। 40,000 करोड़ का केवल कर्ज था, 30,000 करोड़ में बिक गई, तो जिन्हें मिला है उन्हें तो हेयर कट में जो चला गया तो बैंकों को नुकसान कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स को लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा, लाभ हो रहा है। इससे बड़ा कोई करप्शन नहीं, ये ऐसा है मामला जिसकी जांच होनी चाहिए, और तो सारे करप्शन इसके सामने कुछ भी नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति यह है कि अब IIT के लोग भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं अनएम्प्लॉयड, और तो सड़कों पर घूम ही रहे। उत्तर प्रदेश के एक माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0 है, और पुलिस की भर्ती 50,000 सिपाहियों की निकली तो 68 लाख लड़के लड़कियों ने इम्तहान दिया, और लीक हो गया पेपर, कई लड़के लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि जो ओवर एज हो जाते हैं वो जानते हैं अब हमें तो कहीं नौकरी मिलने वाली नहीं। डॉक्टर साहब कॉन्फ्यूज, एक मिनट और सुन लीजिए हमारी बात, ऑलरेडी 5 मिनट होने को, एक मिनट प्लीज। देखिए आरक्षण जो है वो कैसे ये खत्म कर रहे हैं, अगर सरकारी वैकेंसी निकले तो आरक्षण मिलेगा, पिछड़ों को 27% और दलितों को 22.5%, लेकिन आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सारी नियुक्तियां होने लगी, आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो गया। और ये 3 नए कानून आए जिसका डंका बज रहा है, इसमें 95% बही धाराएं ज्यों की त्यों हैं, केवल ऊपर नाम बदल दिया गया। हाँ, पांच, एक मिनट, बहुत खतरनाक चीजें आ गई, बताना जरूरी है, लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 2 आदमी से ज्यादा अगर कोई काम करते हैं तो वो जो अनलॉफुल एक्टिविटीज थी वो संगठित गिरोह के अंतर्गत आ गए। डॉक्टर साहब खत्म, अगर पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन भी करेंगी, आंदोलन करेंगी, और कोई सब इंस्पेक्टर ये लिख देता है ये संगठित गिरोह का काम है, तो 3 साल से 3 लाख आजीवन कारावास तक की सजा। तो आप किसी को भी, ये सब एक आंदोलन तो हम लोग करेंगे, 3 साल की सजा करा दीजिए, आराम से विपक्ष खत्म, सत्ता चलाइए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। एक सुधांशु जी नहीं है, मैंने 3 मिनट से अधिक आप बोलिए, प्लीज दूसरों को। एक सेकंड साहब, एक सेकंड सुन लीजिए, छल कपट से कोई काम चलता नहीं, अब वो चीज जब प्रकट हो जाती है तो नुकसान होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि उभरे अंतन होए निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु, ये समझ लें सब लोग। अब रामगोपाल यादव ने जिस अंदाज में भ्रष्टाचार के मामले में मोदी सरकार को घेरा, जिस तरह से ये बात बता रहे हैं, भ्रष्टाचार का तो आपकी सरकार में बोलबाला है, कहने वाले तो कह रहे, भ्रष्टाचार के मसले पर अखिलेश के चाचा ने तो मोदी सरकार को पूरी तरह से धो दिया।